हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईएसआईसी सब कोड। तो ईएसआईसी सब कोड क्या होता है, क्यों लेना होता है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रहेगा, व्हाट इज़ द ईएसआईसी सब कोड नंबर। दोस्तों, दिस इज़ ए आल्सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड टू ए सब यूनिट, ब्रांच ऑफिस, सेल्स ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ ए कवर्ड फैक्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट। द एम्प्लॉयर कैन रजिस्टर एनी ब्रांच और सेल्स ऑफिस थ्रू ईएसआईसी पोर्टल यूजिंग हिज क्रेडेंशियल एंड हिज यूनिक प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कोड नंबर। यदि एक आपके पास एक यूनिट है और आप उसके सब यूनिट खोल रहे हैं या आप सेल्स ऑफिस खोल रहे हैं या ब्रांच ऑफिस खोल रहे हैं, तो अलग अलग राज्य में स्थित एक कवर एस्टेब्लिशमेंट या प्रतिष्ठान के पंजीकृत कार्य को आवंटित एक विशिष्ट पहचान संख्या भी होती है। अगर आप ऑलरेडी ईएसआईसी मेंबर है, जैसे आप जब भी आपकी कंपनी में 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होते हैं, तब आपको ईएसआईसी कोड लेना मैंडेटरी होता है। तब आपने ले लिया, लेकिन आपने एक नई ब्रांच या सब यूनिट या सेल्स ऑफिस आपने खोलने का सोचा, तब एम्प्लॉयर अपनी को ईएसआईसी पोर्टल के माध्यम से एक सब कोड यूनिट क्रिएट करना पड़ता है। वो मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि उस अकॉर्डिंग स्टेट के अकॉर्डिंग वहाँ की डिस्पेंसरी SRO RO के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ईएसआईसी के बेनिफिट मिल पाते हैं। चलिए दोस्तों, एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं कि ईएसआईसी कोड और सब कोड क्या होता है। जैसे कि आपकी कंपनी है गुड़गांव में, वो आपका मैन हेड ऑफिस मान लेते हैं, तो आपने वहाँ पे 10 से 10 एम्प्लॉय हुए, तो आपने कोड ले लिया। अब जैसे आपने अपना कोई भी एक लोकेशन, दूसरी लोकेशन, जैसे आपने मुंबई में अपनी ब्रांच ऑफिस खोला, तो वहाँ पे आपके जैसे ही आपने ब्रांच ऑफिस के आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब RC वगैरह जो भी आप कवर हैं, सोप RC या फैक्ट्री RC जैसे कवर हुए, आपने साथ साथ में वहाँ पे ईएसआईसी का सब कोड भी लेना पड़ेगा। तो सब कोड लेने का मतलब है कि वहाँ पे जैसे भी एम्प्लॉय का कुछ एक्सीडेंट होता है, डेथ केस होती है, तो उस केस में जो भी इंस्पेक्शन होगी या जो भी इंस्पेक्टर आएगा, वो वहाँ का लोकल ऑफिस ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस से ही आएगा। तो वो गुड़गांव वाले इसमें कवर नहीं करेंगे, तो वो आप अगर गुड़गांव में आपने अगर एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करते ऑनलाइन, तो आपको नोटिस आएगा कि आप वहाँ के लोकेशन का आपको सब कोड लेना। तो नेक्स्ट है कि रेवाड़ी, जो भी आप हरियाणा में, जैसे हरियाणा में सेम गुड़गांव में आपने एक वर्क ली रेवाड़ी में, तो आप सोच रहे कि हरियाणा में हूँ तो मैं गुड़गांव वाले रेफर करूँ, नहीं, उस केस में भी आपको सब कोड लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आपने खोली दिल्ली में, तो दिल्ली में भी आपको उस लोकेशन के हिसाब से आपको ईएसआईसी सब कोड नंबर लेना पड़ेगा। तो ये दोस्तों बहुत ईजी है सब कोड लेने का। अगर सब कोड लेने का यही उद्देश्य है, क्योंकि जो ईएसआईसी के जो ऑफिस होते हैं वो डिपेंड ऑन सब कोड पर होते हैं, वो जो कोड से हमें जो सब कोड मिलते हैं वो लोकेशन बेसिस पे मिलते हैं। तो वो लोकेशन बेसिस पे मिलने में वहाँ के जो ऑफिसेज होते हैं, जिससे हम SRO या RO रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस होते हैं, जो ये कोड को हैंडल करते हैं, जो भी इनकी क्वारीज आती हैं, जो भी इनके मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, जो हमें क्लेम करते हैं कैशलेस या ऑनलाइन, या जो भी हमारे जो रिमबर्समेंट होते हैं मैटरनिटी बेनिफिट, तो वो डिपेंड ऑन SRO और RO पे डिपेंड करता है कि अब ये कौन से ऑफिस में हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, जो भी इसको हैंडल करेगा। तो वो लोकेशन के हिसाब से वो एस्टेब्लिशमेंट या सब कोड को वो हैंडल करते हैं, जो भी उनकी क्वारीज आती हैं, जो भी उनके नोटिस आते हैं, तो वो वहीं से जनरेट होके जाता है। तो इस केस में वो आपको लेना पड़ता है। तो ये इस वजह से सबसे फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है कि इससे एम्प्लॉय को बेनिफिट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जितने भी आपके एम्प्लॉय हैं, आप ईएसआईसी में कोड है, तो उनको अच्छे से वहाँ के रीजनल ऑफिस और सब रीजनल ऑफिस के अकॉर्डिंग जो डिस्पेंसरी हैं, वहाँ से इनको अच्छे से और टाइमली आपको उनको अच्छे से बेनिफिट मिल पाएगा। अगर आप नहीं लेते तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, और ये सब कोड लेना भी मैंडेटरी है। तो इसके लिए बहुत ही इन्होंने इजी प्रोसेस कर रखी है। जैसे में जब अपना मेन कोड आप लॉगिन करते हो, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्रिएट सब यूनिट रजिस्ट्रेशन, तो आपको यहाँ पे आपको लॉगिन करके आपको सब क्रिएट यूनिट पे क्लिक कर देना, तो आपको वहाँ पे आपको रीजनल ऑफिस मांगेगा, वहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में वही आपकी जो फॉर्मेलिटीज, आपने सब यूनिट कब स्टार्ट की, आप डेट क्या, एड्रेस क्या, तो वो आपको डिटेल में एंटर कर देना, अपने मैनेजर की डिटेल्स अपडेट कर देना। तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपको आपको जो सब कोड नंबर मिल जाएगा विथ लॉगिन क्रेडेंशियल के साथ में। तो आप ऐसे ही अपना सब कोड आसानी से जनरेट कर सकते हैं, साथ में अपना मेन कोड से आप व्यू सब यूनिट डिटेल्स भी आप अपनी चेक कर सकते हैं कि कितने एम्प्लॉय रजिस्टर हैं, किसी में नहीं। तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया है कि आप सब यूनिट अपनी कैसे चेक करें। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर एम्प्लॉयर्स के लिए, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो अन्य अन्य ब्रांचों में, अगर अभी तक आपने नहीं लिया तो आपको ले लीजिए। अगर किसी एम्प्लॉयज़ की इनकेस अगर डेथ या एक्सीडेंट होती है, तो उस केस में आपको नोटिस आना ही
आना है, क्योंकि जो एक्सीडेंट रिपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर अगर आपने वो जो जाती है वो रीजनल ऑफिसर या SRO के पास ही जाती है, जिस वजह से वो उस एरिया के अकॉर्डिंग वो केस हैंडल होता है। तो अगर अभी तक आपने अपने सब कोड नहीं लिया, सब कोड लीजिए। अदरवाइज़ फिर भी कोई आपको कुछ डाउट या क्वारीज आप कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ आप हमारी जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उसके थ्रू भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।